Dear students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and safe at your home. So let's continue our chapter 11 of class 12, that is biotechnology principles and processes. Today we will discuss about the topic, that is separation and isolation of DNA fragments. इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स बने थे, जो डिजायरेबल डीएनए बन गए, डीएनए था, उसमें से जो डिजायरेबल जीन कैरी करता है, क्योंकि डीएनए का जो लेंथ है वो बहुत लंबा होता है, उसमें से हमें वो पर्टिकुलर जीन चाहिए जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उसका सेपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इस टेक्निक का नाम क्या है, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि अपना रिविज़न चल रहा है, हमने इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्लासरूम में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि डीएनए का जो फ्रैगमेंट्स है उसको कैसे आइसोलेट और सेपरेट किया जाता है, जिसके थ्रू किया जाता है, उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसका कैसे बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। जब हम डीएनए के एक लॉन्ग सेगमेंट को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देगा। और दिस फ्रैगमेंट्स जो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हुए, कुछ छोटे पीसेस होंगे, कुछ बड़े पीसेस होंगे, तो इन पीसेस को सेपरेशन करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है। सो द टेक्निक दैट इज यूज टू सेपरेट द स्मॉलर एंड लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम और मैट्रिक्स। क्या मतलब है इसका, हमें पता है डीएनए की जो चार्ज होती है वो होता है नेगेटिव, एनोड की जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। तो जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे हमेशा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जिस मैट्रिक्स में हमने इसको डाला होगा वो मूव करेगा कौन सी डायरेक्शन में, एनोड की डायरेक्शन में, ठीक है। सो नाउ इट इज मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगारोज जेल, आपने सुना होगा, इलेवेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा एगारोज जेल। एगारोज जेल को यूज किया जाता है, ठीक है, और इसको एक सी वीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड दिस इज ए नेचुरल पॉलीमर। एगारोज जो है ये एक नेचुरल पॉलीमर है और इसको सी वीड्स, समंदर में जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसी में से डिराइव किया जाता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल। हैंस द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। तो मैं एक बार दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। डीएनए का जो लेंथ होता है वो लॉन्ग होता है, और इस डीएनए के लॉन्ग लेंथ वाले डीएनए को हमें कट करना है इनटू पीसेस में, तो कट करने के लिए पहले क्या डाला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको छोटे छोटे पार्ट्स और बड़े बड़े पार्ट्स, मतलब छोटे बड़े फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें से कौन सा वो डिजायरेबल पीस है जो हमें चाहिए, उसको जानने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जिस मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है उसका नाम है एगारोज, और ये एगारोज जेल जो है, और एगारोज जो है इसको सी वीड से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और ये हमेशा, जैसे कि आप जानते हो डीएनए की चार्ज नेगेटिव होता है, तो हमेशा ये एनोड के डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों, क्योंकि एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। सो सीविंग प्रॉपर्टी के बारे में आपने पता है, जो छन्नी होती है, गेहूँ वगैरह छानते हैं, जो भारी होता है, जो भारी पार्टिकल्स होता है वो पास में पड़ा रहता है, और जो स्मॉलर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर जाते हैं। तो सीविंग प्रॉपर्टी वैसे ही काम करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बनेंगे डीएनए के वो दूर जाएंगे, और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगे वो वहीं पे पड़े रहेंगे। तो दूर जाएंगे मतलब एनोड की डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप यहाँ पर यह डाइग्राम देख सकते हो, एक एगारोज जेल फ्लोरेसिस टेक्निक को दिखा रहा है, ठीक है, सोइंग ये कैसे डिजायरेबल और अनडिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग कर रहा है, डीएनए बैंड्स को। यहाँ पे जब डीएनए को डाल दिया इसमें, अगर उस जेल में इन डीएनए को डाल दिया, तो
तो यहाँ पे क्या हुआ, बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स भी आप देख रहे हो, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स भी देख रहे हो। तो जो लार्ज फ्रैगमेंट्स है वो यहीं पे पड़ा रहा है, ठीक है, और जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स है वो इधर आ गया। तो यहाँ पे ये एनोड है, ये एनोड है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसलिए जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स था वो मूव किया एनोड की डायरेक्शन में। क्लियर है आगे आपको? तो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर द डीएनए विथ ए कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। मतलब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स अलग हुआ, आप सोचो एक सेल को नहीं देख सकते, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। आप सोचो डीएनए को हम कैसे देखेंगे, एक तो फ्रैगमेंट हो गया, ठीक है, अब उसको देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड में जब इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को डाल के यूवी रे एक्सपोज किया जाता है, इट एक्सपोज टू द यूवी रे, यूवी रे इसके ऊपर डाला जाता है, तो हमें क्या दिखता है, यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। स्टेनिंग मतलब जैसे कि हम कलर करते हैं, क्रोमोजोम को भी हम कलर करते हैं, तो डीएनए को भी स्टेनिंग किया जाता है देखने के लिए प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स। सो यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोजर टू यूवी लाइट। जब उन डीएनए फ्रैगमेंट को हम एक्सपोज करेंगे यूवी लाइट को, हमें कौन सी कलर की दिखेंगे, ऑरेंज कलर की, ठीक है। सो ये जो ऑरेंज कलर की विजिबल होगी डीएनए बैंड्स, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द अगारो जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। क्लियर है? सो इल्यूशन क्या है, इल्यूशन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम अगारोज जेल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इल्यूशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर में कि इल्यूशन क्या है, तो इल्यूशन क्या लिखोगे आप, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द अगारो जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, दोबारा बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्ट्रैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेन वन द डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, लेन टू, लेन फोर, ये सब अलग अलग लेंस है। हमारा मेन जो मोटिव था ये देखना था कि जो डीएनए की फ्रैगमेंट्स को कैसे अलग किया जाता है। वहाँ तो हमने देख लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या किया, कट कर दिया, फिर उसको अगारो जेल सोल्यूशन में डाला, उसमें लार्ज फ्रैगमेंट्स पास में रह गए, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स दूर चले गए, फिर से जो दूर गए वो प्योर है पर उसको वो ऐसे नहीं दिखेगा, उसको इथिडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन में डाला, यूवी रे को एक्सपोज किया, जब यूवी रे को एक्सपोज किया सारे डीएनए विजिबल नहीं होंगे, ऑरेंज कलर का बैंड विजिबल होगा जो प्योर डीएनए होगा, ठीक है। सो इथिडियम ब्रोमाइड में जब हम डालेंगे हमें ये कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर्ड बैंड्स इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोजर टू लाइट, द सेपरेटेड बैंड्स, जो बैंड हमने सेपरेट किया उसको उस अगारो जेल सोल्यूशन से निकालनी है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इल्यूशन। इल्यूशन क्या है, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द अगारो जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस एंड दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। और ये जो डीएनए पीसेस हमें मिल गए, अब इनको क्या करेंगे, अब इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए यूज़ किया जाएगा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद इसको एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर छोड़ा जाएगा। मतलब ये वो वेक्टर है जो क्लोन करेगा, क्योंकि हम इसके अंदर टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हर एक टूल का अपना एक अलग से इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने पढ़ा और जो मैंने बताया कि यहाँ पे हमें डिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल गया, अब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। अब इन डिजायरेबल डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्लोनिंग वेक्टर के साथ
जोड़ेंगे। क्लियर है? तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर के लिए किस किस का यूज़ किया जाता है? आपको पता होगा किस किस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था प्लाज्मिड के बारे में। सो क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं, या तो वो प्लाज्मिड होते हैं या फिर वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज, क्यों? क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, सो यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, मतलब अपना कॉपी बनाने के लिए बैक्टीरियल सेल के अंदर ये क्रोमोसोम के कंट्रोल में नहीं होते हैं। सो बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, अगर क्वेश्चन आएगा कि हमेशा बैक्टीरियोफेज को मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के दौरान क्यों चूज किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉपी नंबर फॉर्म करने की एबिलिटी होती है विदाउट द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, सो ये हाई कॉपी नंबर पर सेल बनाता है बैक्टीरियल सेल में। और प्लाज्मिड का क्या है, एक से दो कॉपी पर सेल बना सकता है, और बहुत सारे ऐसे प्लाज्मिड्स भी है जो 15 से 100 कॉपी तक बना सकता है। बैक्टीरियोफेज मल्टीपल कॉपी नंबर बना सकता है और क्रोमोसोमल कंट्रोल पे डिपेंड नहीं होता है, और जो प्लाज्मिड है ये एक भी बना सकता है, दो भी बना सकता है, कभी कभी 15 से लेकर 100 कॉपीज पर सेल बना सकता है। देयर नंबर कैन गो इवन हायर, इनकी नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर्स इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया, क्या बोला है इसमें? बोल रहा है कि इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर्स इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। इसका मतलब है, अगर मैंने एक डीएनए फ्रेगमेंट को लिया, छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट को लिया, और मैं लेके क्या की उस बैक्टीरियोफेज में या फिर प्लाज्मिड में मैंने ज्वाइंट करा दिया। ठीक है, ज्वाइंट कराने के बाद जब ये प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन करेगा या फिर बैक्टीरियो रिप्रोडक्शन करेगा, तब क्या होगा, जितना वो खुद का कॉपी नंबर बनाएगा उतना ही उस डीएनए का कॉपी नंबर बनेगा। ठीक है, सो वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप जानते हो, बायोटेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट फील्ड है आज के डेट में। बहुत से स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, और इनकी इम्पोर्टेंस भी अलग है। तो इनको बनाने के लिए अगर हम नेचुरल ऑर्गेनिज्म्स को ढूंढेंगे तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, और जो हम चाहते हैं जैसे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला, वो नहीं मिल पाएगा। तो आजकल क्या किया जा रहा है, ऑर्गेनिज्म को बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, ऐसे इंजीनियर्ड किया जा रहा है इनको कि जैसे कि ये जब हम उनके अंदर एक फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये क्या करेंगे, उसको इजीली अपने अंदर ले लेंगे, और आसानी से जो रिकॉम्बिनेंट्स है और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब कौन सा वेक्टर के साथ जुड़ा और कौन सा नहीं जुड़ा है, उनको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। समझ में आ गया? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट टूल्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए टूल्स, क्या क्या पढ़ लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, अभी हमने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा। क्लोनिंग वेक्टर में मैंने आपको बताया कि नॉर्मली प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को चूज किया जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है, ये हाई कॉपी नंबर बनाने के लिए सपोर्ट करता है, और साथ में जो बैक्टीरियोफेज है ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, क्रोमोसोमल डीएनए से, मतलब ये डिपेंड नहीं करता है क्रोमोसोमल डीएनए के रिप्लिकेशन के ऊपर। और साथ में इनमें जो कॉपी नंबर फॉर्मेशन होती है ये कभी कभी 15 से 100 होती है, और अगर हम चाहे तो इसको
और भी ज़्यादा टाइम हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी और एक खासियत क्या है, जब इसके अंदर एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ दिया जाता है तो वो उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को रिसीव करता है और खुद जितनी बार मल्टीप्लाई करता है और रिप्लिकेट करता है उतनी ही बार जो डीएनए हमने फॉरेन डीएनए को हमने अटैच किया था उसका भी कॉपी नंबर हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। सो द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेट क्लोनिंग इन टू ए वेक्टर। मतलब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, वेक्टर भी मिल गया। अब वेक्टर के अंदर जो क्लोन बनता है उसके लिए क्या क्या और चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि आपका हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट्स, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट्स, उसके बाद वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स। ये तो नॉर्मल हो गया, कॉमन वेक्टर हो गया। फिर प्लांट और एनिमल में क्लोन बनाने के लिए उनके लिए अलग से वेक्टर चाहिए। तो ये जो है अलग अलग टेक्निक्स है जिसको हम हमारे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर क्लोनिंग वेक्टर।